नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने 65/3/1 क्वेश्चन पेपर कोड वाले एमसीक्यू हमने सॉल्व किए थे, और इसी वीडियो सीरीज के अंदर आज हम सॉल्व करेंगे 65/4/1 क्वेश्चन पेपर कोड के एमसीक्यू। तो पहली चीज तो आपका पेपर कौन सा आया है और बाकी स्टूडेंट का पेपर कौन सा आया है, ये डाउट भी आपके दिमाग में है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इस बार सीबीएसई ने पूरे इंडिया में और वर्ल्ड में, क्योंकि बाहर भी स्कूल से, तो उन सबको मिला के टोटल 15 पेपर्स बनाए हैं। टोटल 15 पेपर्स। कौन कौन से पेपर? देखो, क्वेश्चन पेपर कोड इस तरीके से बनते हैं, 65/1/1, फिर 65/1/2, 65/1/3। मतलब 65/1 वाले क्वेश्चन पेपर में 3 सेट है, 1, 2, 3, और इनके क्वेश्चन सिमिलर है। मतलब एक दो क्वेश्चन चेंज है, बाकी सारे क्वेश्चन सेम है और ऑर्डर थोड़ा चेंज है। फिर आपके पास दूसरा क्वेश्चन पेपर 65/2/1, मतलब सेट नंबर 1, 65/2/2, 65/2/3। तो ये तीन क्वेश्चन पेपर हो गए। इसी तरीके से आपके पास 65/3 वाले तीन पेपर है, 65/4 वाले तीन पेपर है, 65/5 वाले तीन पेपर है। तो इस तरीके से टोटल 15 पेपर है। ये सारे इंडिया के रीजन और गल्फ कंट्रीज और बाहर कहीं पे भी सीबीएसई के स्कूल है, तो ये इस तरीके से 15 पेपर्स हमारे पास थे। अलग अलग रीजन में अलग अलग पेपर थे, कुछ रीजन में दो या तीन रीजन को मिला के आपके पास एक सीरीज चल रहा था। तो इसी ऑर्डर में हमने एक एक पेपर के एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, 65/3/1 के एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 65/4/1 के क्वेश्चन। और जिसका भी ये क्वेश्चन 65/4 वाले क्वेश्चन आए, वो बहुत ही लकी है। और यहाँ के जो एमसीक्यू है कंपेरेटिवली बाकी सभी क्वेश्चन पेपर से बहुत आसान है, बहुत आसान, डायरेक्ट एमसीक्यू पूछे गए हैं। तो जिस स्टूडेंट का, जिस रीजन के स्टूडेंट्स का ये सीरीज के क्वेश्चन पेपर आए हैं, वो बहुत ही लकी है। उनके एमसीक्यू बहुत ही आसान थे और बहुत ही जल्दी सॉल्व होने वाले थे कंपेयर टू अदर। तो ये एक्चुअल में मुझे ये नहीं कहना चाहिए ये आसान है, एक्चुअल में सीबीएसई का स्टैंडर्ड ये होना चाहिए, क्योंकि सीबीएसई के बच्चे जो है वो एनसीईआरटी बुक्स को बेस मान के तैयारी करते हैं। तो एनसीईआरटी को बेस मान के कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए इस टाइप का क्वेश्चन पेपर ही बनना चाहिए। तो मुझे ऐसा कहना चाहिए कि बाकी के जो क्वेश्चन पेपर थे वो सीबीएसई के लेवल से थोड़ा सा हटके थे, इसलिए बच्चों को थोड़ी दिक्कतें हुई। लेकिन ये जो सेट था ये बहुत ही आसान और बहुत ही सही तरीके से डिजाइन किया गया क्वेश्चन पेपर था, जो कि होना चाहिए एक्चुअल में। तो शुरुआत करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, इफ एक्स, दिस इज अ मैट्रिक्स 1, 2 + y, 2, 5 = 4, 9। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 4/9 लिखा हुआ है, ये 4/9 नहीं है, 4/9 है। देन एक्स और वाई का वैल्यू निकालना, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, पहले इस मैट्रिक्स को आप ऐड करेंगे तो मैट्रिक्स आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 2y, यहाँ पर 2x + 5y = 4, 9। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन करने के बाद मैट्रिक्स का एडिशन करेंगे तो आपके पास ऐसा आएगा। अब दो मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल, इसका मतलब एक्स प्लस 2y = 4 और 2x + 5y = 9। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और ये इक्वेशन 1 मान रहा हूं, इक्वेशन 2, 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और यहां लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा 2x + 4y = 8। अब इसको 2 में से माइनस कर रहा हूं, माइनस करूंगा तो 2x में से 2x गया, यहां पर y = 1 आ रहा है। तो y का वैल्यू 1 में अगर आप रखेंगे, 1 में अगर आप पुट करेंगे y = 1, तो आपके पास x का वैल्यू आएगा 2। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मतलब बहुत ही कम समय लग रहा है कंपेयर टू अदर क्वेश्चन पेपर, है ना। तो बहुत लकी है कि आपको ये क्वेश्चन मिला है, बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई भी कर सकता है इसको। दूसरा क्वेश्चन, द प्रोडक्ट इज इक्वल टू, तो देखो इसको प्रोडक्ट के चारों एलिमेंट निकालना जरूरी नहीं है,
आप एक एक एलिमेंट निकालिए और मैच करिए। जैसे मैं पहला एलिमेंट निकालूंगा, पहले तो आप श्योर कर लीजिए कि आपका आंसर क्या आने वाला है। एक मैट्रिक्स आएगा, और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा? मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 बाई 2 आएगा। और मैट्रिक्स में यहां पर कौन सा एलिमेंट आएगा? यहां पर मतलब पहली मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी, इसका मतलब आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अभी ऑप्शन सी और ऑप्शन ए बचे हुए। तो देखिए एक एलिमेंट और कैलकुलेट कर लेते हैं, चाहे आप ये करिए चाहे अगर ये करेंगे तो आप, ये तो सेम है तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। ये एलिमेंट आप कैलकुलेट करिए, मतलब यहां पर जो आ रहा है, और यहां पर कैसे आएगा? आपको सेकेंड रो लेनी पड़ेगी और इधर से फर्स्ट कॉलम लेना पड़ेगा। तो आप करेंगे तो माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी, तो यहां पर जो आएगा माइनस ए बी प्लस ए बी, दिस इज जीरो। इसका मतलब यहाँ पे जीरो आना चाहिए, तो इस ऑप्शन में जीरो यहाँ पर है नहीं, तो इसका मतलब ये भी एक्सक्लूड हो गया, तो सिर्फ आपके पास ऑप्शन ए बचा है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। तो इस तरीके से आप समय भी बचा सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग ट्रिक होती है। जितना कम कैलकुलेशन करना पड़े, जितना जल्दी आंसर आपका निकल सके, उस तरीके से निकालिए, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, देन आई प्लस ए स्क्वायर माइनस थ्री ए इज इक्वल्स टू। ये क्वेश्चन सीबीएसई में कई बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन में कई बार यहाँ पर पावर थ्री होती है और यहाँ पर 7 ए होता है, तो ये क्वेश्चन एक तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन है जो बच्चों को हर टीचर बताता है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले इसको ओपन कर लीजिए, आई प्लस ए स्क्वायर, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो आई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू आई ए माइनस थ्री ए। आई स्क्वायर मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर आइडेंटिटी आएगा, और ए स्क्वायर इक्वल टू हमें ए दे रखा है तो इसका यूज करेंगे, तो ए प्लस आई को अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी को तो किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो वही मैट्रिक्स आती है, तो ये हो जाएगा 2a-3a। सो 3a-3a इज 0, सो दिस इज आई, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, तो यहाँ पावर चेंज होके, यहाँ वाला नंबर चेंज होके पुराने साल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन नंबर थ्री था जिसका करेक्ट आंसर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर, इफ ए मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 1 2 3, देन मैट्रिक्स ए एंड ए ट्रांसपोज वेयर ए प्राइम इज ट्रांसपोज ऑफ ए, तो आपको ए ए मैट्रिक्स निकालनी। बहुत आसान क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन में भी मल्टीप्लीकेशन दे दिया, इस क्वेश्चन में भी मल्टीप्लीकेशन दे दिया, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तो मोस्टली स्टूडेंट को आता है, शायद ही कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको नहीं आता है। तो ये 1 2 3 1 2 3, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो मैट्रिक्स को मल्टीप्लीकेशन आप जब करेंगे तो आंसर मैट्रिक्स आएगा, इसका मतलब ऑप्शन ए एक्सक्लूड हो गया, ऑप्शन ए एक्सक्लूड हो गया। अब देखिए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ऑर्डर कितना है? इसका 1 बाई 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है 3 बाई 1। तो फाइनल मैट्रिक्स क्या आएगा? एक ऐसा मैट्रिक्स आएगा जिसका ऑर्डर कितना होना चाहिए? 1 क्रॉस 1। तो यहां पर 1 क्रॉस 1 का एक ही ऑप्शन है, इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये तो एक तरीके से इस तरीके का क्वेश्चन है कि इंडिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, उसमें एक आंसर दे देगा लंदन, एक आंसर दे देगा टोक्यो, एक आंसर दे देगा मॉस्को और एक दे देगा मुंबई। तो ऑफ कोर्स आंसर मुंबई होगा क्योंकि तीन तो इंडिया से बाहर के कंट्री है। तो ये ठीक उसी तरीके का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन और बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर आएगा आपका डी। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो इस डिटर्मिनेंट को आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक्सपांड करके कर सकते हैं। तो मैं इसको 4.2 में कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी, उसकी हेल्प से करके दिखाना चाहता हूँ। वैसे वो सिलेबस से डिलीट है, लेकिन कई बार आपको ध्यान में रखना चाहिए जिससे आपका काम आसान बन जाए। तो देखिए ये डिटरमिनेंट हमारे पास दे रखा है, इस डिटरमिनेंट को मैं एक बार लिख देता हूँ, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई 1 1 1। ठीक है, देखो मैट्रिक्स में कुछ ऑपरेशन करने से मैट्रिक्स का वैल्यू चेंज नहीं होता। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, R1 को रिप्लेस कर रहा हूँ R1 प्लस R2 से। तो ये सब जब आप MCQ सॉल्व कर रहे हो तो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर आप ये ऑपरेशन करेंगे,
तो ये फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये एलिमेंट बन जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये एलिमेंट भी बन जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, या जेड एक्स वाई वन वन वन। अब यहां से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लीजिए, और ये डिटरमिनेंट है, तो डिटरमिनेंट में एक रो या एक कॉलम से भी आप कॉमन ले सकते हैं, मैट्रिक्स में तो सारे एलिमेंट से कॉमन लेना पड़ता है। तो यहां हो जाएगा वन, यहां वन, यहां वन, यहां जेड एक्स वाई वन वन वन। तो देखिए यहां पर दो रो आइडेंटिकल हो गए हैं, और जब रो आइडेंटिकल हो जाता है तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है जीरो। तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू जीरो विच इज इक्वल टू जीरो। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो फाइव का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर सिक्स, आई थिंक कितना बढ़िया क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन, ये बच्चों से पूछे जाने चाहिए सीबीएसई के एग्जाम में। एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, इसका डायग्राम, इसका ग्राफ अगर देखेंगे तो इस तरीके से बनता है। तो देखने से पता चल रहा है दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। अब इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक की जाती है, अगर आपके पास ग्राफ में कहीं पे एंगल टाइप का शेप बन रहा है तो वहां पर फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होता, इसका मतलब जीरो पर डिफरेंशियबल नहीं है। तो एक्सेप्ट जीरो दिस फंक्शन इज डिफरेंशियबल एवरीवेयर एंड दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल एवरीवेयर। तो ये नहीं हो सकता है डिफरेंशियबल नोवेयर, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट एज दिस इज डिफरेंशियबल एक्सेप्ट जीरो। कंटिन्यूस एवरीवेयर दिस इज ट्रू, बट डिफरेंशियबल एवरीवेयर एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल टू जीरो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट ऑप्शन कंटिन्यूस एवरीवेयर बट डिफरेंशियबल नोवेयर, ये भी गलत हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, पूछा जाना चाहिए, आसान क्वेश्चन भी होने चाहिए, तो उन आसान क्वेश्चन में से ये एक क्वेश्चन था, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है, वाई इक्वल टू दिस देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन। साइन की पावर टू आ रहा है तो एक्स पावर टू का सबसे पहले करने पर टू एक्स आता है, तो टू एक्स की जगह है साइन एक्स क्यूब। अब आपको साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव फिर से करना पड़ेगा, वैसे मैं फास्ट कर सकता हूं लेकिन मैं स्टेप वाइज कर रहा हूं ताकि आसान रहे। टू साइन एक्स क्यूब, अब इसका करेंगे तो आपके पास साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स क्यूब, और फिर इस एक्स क्यूब का भी करना पड़ेगा, और एक्स क्यूब का हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, ये थ्री एक्स स्क्वायर आप आगे लेके आएंगे तो सिक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब कॉस एक्स क्यूब। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन वाले को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए इसमें, और इसका आंसर इस तरीके से बनाना चाहिए कि थ्री एक्स स्क्वायर साइन टू एक्स क्यूब, अगर थोड़ा सा ट्विस्ट करता तो और भी अच्छा रहता। फिलहाल ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगेन लॉग की प्रॉपर्टी जिसको आती है वो बहुत आसानी से कर सकता है, और जिसने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है वहां तो वो लॉग की प्रॉपर्टी जानता ही है। तो ई पावर फाइव लॉग एक्स, तो इसको किस तरीके से करोगे, पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ई पावर लॉग एक्स पावर फाइव इसको कंसिडर किया जा सकता है, इस फाइव को आप पावर में लेके आ सकते हैं, और जब ई और लॉग यहां पर होते हैं तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, और एक्स पावर फाइव मतलब इसका इंटीग्रेशन करना, मतलब एक्स पावर फाइव का इंटीग्रेशन करना, और एक्स पावर फाइव का इंटीग्रेशन क्या होगा बताने की जरूरत है ये? नहीं, करेक्ट ऑप्शन इज बी एक्स पावर सिक्स बाई सिक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अगेन इजी क्वेश्चन फ्रॉम इंटीग्रेशन चैप्टर, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एट देन वैल्यू ऑफ ए इज, तो इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो थ्री एक्स स्क्वायर का होगा थ्री एक्स क्यूब डिवाइड बाई थ्री विच इज एक्स क्यूब, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब हो जाएगा, और लिमिट लगाओगे जीरो से ए एंड दिस इज इक्वल टू एट, सो दिस इज ए क्यूब माइनस जीरो क्यूब विच इज जीरो इक्वल टू एट। तो ए की वैल्यू प्लस माइनस टू और एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकता है, लेकिन यहां पर टू ही दे रखा है तो ए इक्वल टू आपके पास हो जाएगा टू, ए इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा टू, ए का वैल्यू टू ही आएगा, माइनस टू नहीं आएगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे तो रियल नंबर में सिर्फ ए की वैल्यू होगा ए इक्वल टू को, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए एंड आंसर इज टू। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है तो पहले आपको इसको एलडी के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा,
और एलडी के फॉर्मेट में लिखने के लिए मैंने इसको एक्स से डिवाइड कर लिया तो ऐसा आ गया। अब ये आपके पास पी है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ई फॉर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड दिस इज ई पावर पी एक्स विच इज -1/x नॉट 1/x डीएक्स। तो माइनस को आप कॉमन निकाल लीजिए, 1/x में आपके पास हो गया लॉग एक्स। अब आप ई को लॉग से कैंसिल करना चाहते हो लेकिन माइनस को रिमूव करना पड़ेगा, और माइनस मतलब -1 और -1 को आप पावर में ले गए तो ई पावर लॉग एक्स पावर -1 तो कट गया, तो एक्स पावर -1 विच इज 1/x। तो करेक्ट आंसर इज डी विच इज 1/x। बहुत आसान क्वेश्चन, अगेन दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर आपके पास कितना है, ऑर्डर आपके पास 2। ऑर्डर कितना है क्योंकि देखो तीन जगह डेरिवेटिव किया गया है, यहां पर एक बार किया गया, यहां पर भी एक बार किया गया, यहां पर दो बार किया गया। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम डेरिवेटिव 2 बार किया गया है, 2 टाइम किया गया है, तो ऑर्डर किसका हो गया 2। एंड डिग्री, डिग्री साइन डीवाई बाई डी एक्स, तो साइन डीवाई बाई डी एक्स इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के यहां पर डिफरेंशियल कोफिशियंट आ रहा है, तो इसका मतलब डिग्री नॉट डिफाइंड। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा आपके पास डी। क्वेश्चन नंबर 12, ए यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर, बहुत आसान क्वेश्चन, इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 4² + 0² + -3² विच इज 25, 25 का रूट होगा 5, तो 5 से डिवाइड करना सिंपल, तो 4i - 3k/5 करेक्ट ऑप्शन इज बी। बहुत आसान क्वेश्चन। 13, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी देन ए डॉट बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ओनली व्हेन। देखिए ए डॉट बी इसका डेफिनेशन क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कॉस थीटा मे बी पॉजिटिव, कॉस थीटा मे बी नेगेटिव, बट इन दिस केस दिस डॉट प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 0, दिस दिस इज ग्रेटर देन 0, दैट्स व्हाई दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड इफ दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस मीन कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड कॉस थीटा should be greater than or equals to 0 mean theta cannot be in second quadrant, second quadrant में तो cos negative होता ना, तो ये option exclude, ये exclude। अब दो option में से आपको टिक करना है, तो देखो यहां पर cos theta 0 के equal भी हो सकता है, 0 के equal हो सकता है, इसका मतलब theta pi by 2 भी हो सकता है allowed, but इस option में pi by 2 नहीं हो सकता, तो इसको cut कर लीजिए, तो तीन option exclude हो गए, तो आपका आंसर रहा बी, तो करेक्ट आंसर इज बी। 14, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी क्यू आर फ्रॉम वाई एक्सिस, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप 2D से जनरेट करिए कि यहां कोई पॉइंट है 2, 3, इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, ये ही 3 वाला 3, लेकिन अगर ये पॉइंट यहां पर है तो 2 - 3, इसका डिस्टेंस कितना होगा, -3, नहीं मॉडुलस ऑफ -3 विच इज 3, तो इसका मतलब जो वाई वाला कोऑर्डिनेट है उसका मॉडुलस आपको लेना है, तो y वाला कोऑर्डिनेट क्यूब है तो उसका मॉडुलस लेंगे, तो करेक्ट ऑप्शन बी। द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन 5x + 3x + 5y < 7 इज, देखो होल एक्स वाई प्लेन तो इसका हो नहीं सकता, होल एक्स वाई प्लेन ये भी नहीं हो सकता, ओपन हाफ प्लेन, ओपन हाफ प्लेन, तो फर्स्ट नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन, तो ओरिजिन वाला टेस्ट करते हैं, ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब उसको कंटेन करके, तो 3 × 0 + 5 × 0 < 7, तो 0 < 7 सेटिस्फाई तो कर रहा है, लेकिन इस ऑप्शन को और देखते हैं, ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन एक्सेप्ट द पॉइंट ऑन द लाइन, अफकोर्स इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है वो इस इनइक्वालिटी के अंदर नहीं होंगे क्योंकि इक्वल्स टू नहीं लगा हुआ, अगर इक्वल्स टू होता तो इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है वो भी होता है, तो कंटेनिंग द ओरिजिन एक्सेप्ट द पॉइंट, लेकिन इसमें इतना कुछ क्लियरली मेंशन नहीं है कि लाइन के ऊपर वाले पॉइंट है कि नहीं है, कौन सी लाइन के कहाँ है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, तो 15 में सी। 16 में विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको टेस्ट करना है 1 by 1,
तो चलो करके देख लेते हैं। पहला पॉइंट देखो, फर्स्ट इक्वेशन में रखना है, तो फर्स्ट पॉइंट आप रख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो 2 × -2 + y का वैल्यू 4 < 10। सो दिस इज -4 + 4 विच इज 0, 0 < 10 दैट्स 2, सेटिस्फाई करा। लेकिन सेकंड में पुट करिए इसको, x x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 4 > 8। सो 2 × 4 = 8, 8 - 2 = 6, 6 is not greater than x, दैट्स व्हाई दिस पॉइंट नॉट सेटिस्फाइंग दिस लीनियर इनइक्वालिटी, दैट्स व्हाई दिस इज एक्सक्लूडेड। नेक्स्ट 3, 2, तो इसमें आप पुट करिए 2 × 3 + 2 = 10, सो 6 + 2 = 8, 8 = 10 दैट्स 2, सेटिस्फाइंग। अब इसमें पुट करिए तो एक्स का वैल्यू हमारे पास 3, 3 + 2 × y, y विच इज 2 > 8, सो 3 + 4 = 7 is greater than equals to 8, 7 is not greater than equals to 8, सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसको भी एक्सक्लूड कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट -5, 6, तो पहली वाली इक्वेशन में पुट किया तो 2 × -5 + y का वैल्यू 6 < 10, सो -10 + 6 < 10, तो ये नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर ऑफ कोर्स पॉजिटिव से छोटा होता, सेटिस्फाइंग। अब इसको यहां पुट करिए, x x का वैल्यू -5, y का वैल्यू 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, -5 + 12, सो माय दिस इज 7, 7 is not greater than 8, 7 is not greater than 8, दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज आल्सो एक्सक्लूडेड, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, यू कैन चेक इट, बट द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन आर दिस देन, ए का वैल्यू क्या होगा, 0 < a < 1, मतलब ए का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में होगा, तो ये नंबर 1 से बड़ा हो जाएगा, ये नंबर भी 1 से बड़ा हो जाएगा, ये नंबर भी 1 से बड़ा हो जाएगा, 1 से अगर बड़ा हो गया तो डायरेक्शन कोसाइन कहां से होगा भैया, तो ये नहीं हो सकता, ये ऑप्शन एक्सक्लूड। चलो इसको वैसे चेक कर लेते हैं कि तीनों का स्क्वायर क्या होगा, हमारे पास तीनों का स्क्वायर हमारे पास होगा 1, l² + m² + n² = 1, सो दिस इज नथिंग बट 3a² = 1, सो a² = 1/3, सो a = ± 1/√3। दिस इज 3a² = 1, a² = 3, सॉरी a² = 3, सो a = ± √3, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर दिख रहा है डी, तो 17 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स द ट्रूथ 4/5 एंड दैट ऑफ बी स्पीकिंग स्पीकिंग द ट्रूथ इज 3/4, द प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इज स्टेटिंग द सेम फैक्ट इज, तो कौन सा प्रोबेबिलिटी होगा। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है मतलब एक सही बोलता है एक झूठ बोलता है, तो मान लो कि अगर ए सही बोलता है तो बी को क्या बोलना पड़ेगा, झूठ, प्लस अगर ए झूठ बोलता है तो बी को क्या बोलना पड़ेगा, सही। और इंटरसेक्शन मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि दोनों को साथ में होना है और ये एक दूसरे से ऑफकोर्स इंडिपेंडेंट होंगे, तो पी ए पी बी प्लस पी ए बार पी बी इसको लिख सकते हैं, सो पी ओ पे, तो ए 4/5 टाइम सही बोलता है, पी बी बार मतलब बी नॉट 3/4 में से माइनस करना है ना, पी बी आपके पास कितना होगा 3/4, तो पी नॉट बी होगा 1 - 3/4 विच इज 1/4, सो इंटू 1/4 प्लस पी ए नॉट सिमिलरली निकालेंगे तो 1/5 यहां से निकालिए आप, और पी बी विच इज 3/4, तो नीचे एलसीएम 5/4 आ रहा है, ऊपर आपके पास 4 + 3 आ रहा है, तो 4 + 3 = 7, नीचे आ रहा है 20, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। एस 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 रीजन क्वेश्चन, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैव देयर इनवर्स इन ओवर देयर रेस्पेक्टिव डोमेन, ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर सकते हैं,
क्योंकि उनको क्या लगता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला चैप्टर है, इसका मतलब इनवर्स फंक्शन तो होगा, और इनवर्स फंक्शन होगा इसका मतलब वो इस स्टेटमेंट को सही मान लेंगे। लेकिन ये स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी भी फंक्शन के इनवर्स होने के लिए उसका वन वन ऑन टू होना जरूरी है। तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वन वन ऑन टू नहीं है। कहाँ नहीं है? उनके डोमेन में नहीं है। लेकिन फिर भी इसका इनवर्स कैसे निकाल दिया गया है? क्योंकि इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया गया है, और डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करने की वजह से वो इनवर्स डिफाइन हो सका है। तो अगर रेस्पेक्टिव डोमेन में इनवर्स की बात करेंगे तो उनका एग्जिस्ट नहीं करता। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ओनली इस स्टेटमेंट के बेसिस पे आपका कौन कौन सा गलत होता? देखिए, एसेसन इज ट्रू, ए इज ट्रू, तो ये गलत हो गया। एसेसन इज ट्रू, ये गलत हो गया। एसेसन इज ट्रू, ये गलत हो गया। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन डी। और द इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट फॉर सम एक्स बिलोंगिंग्स टू आर, तो किसी एक्स के लिए तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, तो इसको देखने की जरूरत भी नहीं है। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट के बेसिस पर ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अगेन इजी एंड वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे गलत कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो आपको ट्रू लग रहा होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। डायरेक्शन डिसाइड करने वाले वेक्टर यहां पर बैठे हैं, अगर उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। द एंगल बिटवीन थीटा इज गिवन बाय दिस, तो ये भी आपके पास करेक्ट आंसर है। करेक्ट क्यों है? क्योंकि यहीं से तो थीटा जो होता है लाइन के बीच में, इसी से निकाला जाता है। और परपेंडिकुलर कहाँ से आता है? वो इसी फॉर्मूले से तो आता है कि अगर आपके पास परपेंडिकुलर है तो कॉस पाई बाई टू इक्वल्स टू कितना होगा? बी वन डॉट बी टू, और बी वन का मैग्नीट्यूड बी टू का मैग्नीट्यूड। तो ऑफ कोर्स दिस इज जीरो, इसका मतलब ये जीरो, तो इसका मतलब रीजन भी करेक्ट है। तो स्टेटमेंट भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बहुत आसान क्वेश्चन थे, मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स के अंदर आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। और जिसके ये सेट आया, मैं आशा करता हूँ उसके बहुत अच्छे नंबर आए होंगे, और जिनका ये नहीं था वो ठीक है, उन्होंने काफी टफ वाला पेपर सॉल्व किया है, तो उनके अकॉर्डिंग नंबर आएंगे, निराश नहीं होने की जरूरत है। लेकिन ये क्वेश्चन, तो इसके अगले वीडियो में हम बाकी के जो सीरीज के क्वेश्चन पेपर बचे हैं उनको भी करेंगे। और इस तरीके से ये एमसीक्यू हमने सॉल्व किए हैं, तो इस तरीके से वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और केस स्टडी, ये सारे भी हम अगले 1 या 2 3 दिन के अंदर सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए आपको नमस्ते, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।